औरंगाबाद न्यूज में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ में समाज सेवक साहिब खान पठान साहब, जो साधवी भूषण कलेक्टर ऑफिस के सामने बैठे हुए यहाँ पर। तो साहिब खान साहब से पूछते हैं कि आखिर साधवी भूषण के लिए क्यों बैठे हैं आप, और अभी जो रामगिरी महाराज ने हुजूर की शान में जो गुस्ताखी की है, तो सभी अपने अपने अंदाज में धरने मोर्चे और भूख हड़ताल पर और साथी भूषण भी बैठे हुए, साहिब खान पठान साहब भी बैठे हुए, उनसे जानते हैं। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। क्या कहेंगे ये जो रामगिरी महाराज ने हुजूर की शान में गुस्सा किया, क्या कहेंगे? देखो, हम तो पहले हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते हमारी जान कुर्बान है, हमारा सर उनके वास्ते कुर्बान है, और हम उनके लिए जान भी देने के लिए तैयार हैं। जो हमारे नबी के बारे में गुस्ताखी करेगा तो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे लिए बहुत शिक की बात है कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनशब्द ने जो रामगिरी महाराज ने जो बोला है, तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारा ये मकसद है, हम इस मकसद को यहाँ पर लेके बैठे कि रामगिरी महाराज जो तो फ़ौरन इसको गिरफ्तार होना चाहिए। जैसा आप देखने को मिला है कि इसके ऊपर 7 FR फटे हुए, 7 FR फटने के बाद रामगिरी महाराज आज़ाद घूम रहा है, और आज़ाद इसलिए घूम रहा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उन्होंने कहा है कि भाई इसको अभी हाथ नहीं लगा सकते। तो जब एकनाथ महाराज ने जो है तो शपथ ग्रह के टाइम में शपथ ली थी, मैं कसम खाता हूँ भगवान की और ईश्वर की कसम इन्होंने खाकर कहा था, मैं सबको साथ, सबका विकास और संविधान का जो है तो मैं अदर करके मैं सबको न्याय दिलाने का काम करूँगा। तो ये झूठे कसम मैं पूछना चाहता हूँ शिंदे साहब को, ये झूठी कसम खाकर लोगों को जो तो गुमराह करने का आपने काम किए। तो आप देखो शिंदे साहब, वक्त बाकी है, अभी थोड़े दिन बाकी है, और मैं मुसलमानों से भी अपील करूँगा जो शिंदे सरकार के अंदर आपने जो उनको जो है तो प्रवेश किया है, और इसको बायकॉट करें और फौरन जो है तो इसको इस्तीफा देने का काम करें। अगर से मुसलमान अगर सच्चे मुसलमान होंगे, हमारे नबी को चाहने वाले होंगे, हमारे नबी से मोहब्बत होंगी, नबी से प्यार होगा, तो वाकई में जो है तो आपकी समर्थ जो है तो आप इसको इस्तीफा देंगे। और अगर से गलत ये होंगे तो मैं आपके बारे में तो कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, और आपके बारे में कोई गलत टिप्पणी नहीं, लेकिन सच्चा मुसलमान तो शान में गुस्ताखी करता है, उसके बारे में तो आप बिल्कुल इस्तीफा देने का काम जरूर। साहब का बड़ा साहब, अभी कुछ दिनों के बाद में महाराष्ट्र असेंबली के इलेक्शन होने जा रहे हैं, होने वाले हैं, तो क्या ये राजनीति का एक स्टैंड तो नहीं है जो रामगिरी महाराज ने ये हरकत किया? बहुत पॉइंट की बात पूछा आपने। आप बताओ, 10-11 तारीख एक वहाँ पे बहुत बड़ा प्रोग्राम था रामगिरी महाराज का, और वो तकरीबन 7 से 8 घंटे प्रोग्राम चला, और 40 सेकंड की एक क्लिप को काट कर रामगिरी महाराज ने खुद इसको जो तो फॉरवर्ड करा और मार्केट में इसको डालने का काम किया, क्योंकि इसका मंशा था कि विधानसभा के इलेक्शन के अंदर हिंदू मुस्लिम हो और मैं वोट बटोरने का काम करूँ, क्योंकि ना जानबूझ के किया है। एक क्लिप बनाई, यानी एक लफ्ज बोला उसने आप सलाह सलाम के बारे में, और वही क्लिप को कटिंग कर जो है तो ये मार्केट में फॉरवर्ड करने का काम किया कि ताकि दंगा भड़ के और यहाँ पे जो तो फसादत हो, जालपोल हो, इसका मंशा ही था कि जालपोल होना, सरकार को नुकसान पहुँचने का काम करना। तो इसलिए मैं जो है इसका निषेध करता हूँ, इसको कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलना चाहिए। साहब का बड़ा साहब, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है उसमें पूरी हिंदुस्तान की जनता को बराबर का सम्मान और सभी धर्मों को बराबर का सम्मान मिलना चाहिए, मगर मुख्यमंत्री जो रामगिरी महाराज का पक्ष ले रहे हैं, तो क्या ये सही है आपकी नज़र? देखो, ये सरासर गलत है। मैंने अभी कहा कि संविधान की धुकियाँ उड़ा रही, और ऐसा लगता है आप कानून की आस्था वैसा खत्म हो गई, कानून को ख़त्म किया जा रहा है, और ऐसा लगता है कि सियासी जज हम, पुलिस हम, प्रशासन हम, ऐसा यानी सरकार जो भी पार्टी का आदमी आ रहा है वो गलत अपनी अपनी जो है तो कानून के एतबार से अपने जो है तो कानून चलाने का काम कर रहा है। ये संविधान की ढीचा उड़ाने का काम कर रही है, संविधान को मिटाने का काम कर रही है, तो यही मंशा जो है तो हिंदुस्तान में चल रहा है। प्रधान साहब, आज पूरे महाराष्ट्र में खास करके मराठवाड़ा में देखा जा रहा है कि अल्पसंख्यक समाज एक जगह नहीं है, आपस में ही टूट फूट कर मुजाहरा कर रहा है, इस वजह से दूसरे लोग फायदा उठा रहे हैं। अल्पसंख्यक समाज के बारे में क्या नजरिया रखते हैं, क्या करें? देखो, अभी हम लोग भीम सेना ने अभी समर्थन करके यहाँ पे गए, और उनका कहना है कि जो है पिछड़े जाति मागस वर्ग के लोग और भीम लोग आपके पूरे समर्थन में, आप जितना भी बड़ा आंदोलन करेंगे और जितना भी यानी रोड रोको आंदोलन करेंगे, हमारा आपको पूरा समर्थन है।
ये जीत सेनानी हमारे साथ में रहेगी और तमाम पार्टियां जो संगठन जो छोटे मोटे पार्टियां वो भी हमारे समर्थन में है और इसका जो है आज जो तो साकड़ी उपोषण है और इसका आगे इसका रूप बदलने वाला है, इसका ऐसा रूप बदलने वाला है कि पूरा हिंदुस्तान इसको देखेगा अगर से हमको न्याय नहीं मिलता है। ये मोड़ अलग अलग इसके मोड़ पर चले जाएंगे। अपना साहब महाराष्ट्र में पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े मुस्लिम लीडरान है मगर अब ये जो रामगिरी महाराज का मसला आया है तो इलेक्शन के टाइम पे यहाँ सब भिन करते मक्से की तरह पर अभी कोई औरंगाबाद शहर में आके सर आपके जैसे निवेदन या साथियों कुछ में बैठ रहे हैं, क्या वजह है? देखो भाई अपने अपने अकीदत का मसला है, इसको जितनी हमारे नबी से मोहब्बत होगी और हमारे नबी से प्यार होगा तो हर आदमी अपना सत्य से सत्य कदम उठाएगा क्योंकि नबी के बारे में जो भी बोलेगा हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो कुछ भी हमारी जान देना पड़े या फिर जान देना ये हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ इसके बारे में हम अदर करते हैं, हम राम का भी अदर करते हैं, हिंदू भाइयों का भी, हमको ये जातिवाद का यानी ये निर्माण करना नहीं है, हम तो भाईचारगी से साथ में रहना चाहते हैं, हम तो मोहब्बत के साथ में रहना चाहते हैं लेकिन हमारे नबी के बारे में हम बिल्कुल बर्दाश्त करने वाले हैं। बड़ा साहब अभी कुछ दिनों के बाद में असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं तो अल्पसंख्यक समाज का रुख कैसा रहेगा और आपका आप एक समाज सेवक है आपका नजर कैसे? देखो ये सियासत की बातें नहीं है, ये सियासत हमको इसमें लाना नहीं है, ये हमारा मजहब का मसला है, यहाँ सियासी बातें यहाँ पे ये मंडप पे सियासी बातें बिल्कुल नहीं होंगी, वो सियासत का मतलब सियासत के साथ में रहेगा, ये मेरा मजहब का मसला है, मेरे नबी का मसला है, मैं यहाँ सियासत को लेकर नहीं बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ तो सिर्फ हमारे नबी की तोहिन हमारे नबी के बारे में उन्होंने अलग गलत अल्फाज किया उसके बारे में बैठा हूँ, मैं यहाँ सियासत के बारे में लेके बैठा नहीं है, सियासत का मतलब सियासत के साथ में वो हमको उससे कोई लेना देना नहीं। आप अभी सातवीं उपोषण के लिए बैठे हुए हैं और रामगिरी महाराज को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो अगला स्टेप क्या रहेगा? अगला स्टेप ये तो 4 दिन का अल्टीमेटम दे रहा हूँ, 4 दिन के अंदर अगर से रामगिरी महाराज अरेस्ट नहीं होता तो ये सातवीं उपोषण जो है तो अलग रूप धारण करेगी, ये अलग रूप धारण करेंगे और ऐसा रूप धारण करेगी कि इसका एक इतिहास रहेगा और हिंदुस्तान इसको देखेगा। आपका नाम? मैं एक समाज सेवक साहिब पार पठान औरंगाबाद महाराष्ट्र। अभी हमारे साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवा उपाध्यक्ष माजी नगर सेवक जनरल खान साहब की फर्जंद अशराफ सर भी मौजूद है और अशराफ सर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं और एक युवा है, अशराफ सर से भी जानते हैं कि जो रामगिरी महाराज ने जो हरकत किया है और आज अशराफ सर साहिबा पठान साहब को बाठुम्बा देने आए हुए हैं। सर आप एक युवा है और युवा के नाते क्या सोच रखते हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए हमारी ऐसी सोच है, आज हमने भाई साहब को जो तो पाठिंबा दिया है हमारी पार्टी की तरफ से और इधर हनुमान साहब की जानी से, हमारी सोच ये है कि किसी भी जाति धर्म का गुरु धर्म गुरु होता है वो अपने लिए काबिले मतलब जो है तो ताजीम रखता है, तो हमारी जो ये रामगिरी महाराज जो पाखंडी जिसने हमारी नबी की शान में और माँ ऐशा की शान में जो गुस्ताखी की है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। हर किसी को अपना धर्म प्यारा होता है और हर किसी को अपना जो है तो धर्म गुरु प्यारा होता है, तो किसी भी ताल्लुक से अगर कोई बात करता है या ऐसी टिप्पणी करता है तो उसके ऊपर कड़क से कड़क जो है तो कानून बनाया जाए, उसको 10 साल की सज़ा, 6 साल की सज़ा या फांसी की सज़ा, कानून ने जो है तो इसके ताल्लुक से ऐसा कानून बनना चाहिए, हमारी ऐसी मांग है, उसी को मद्देनजर रखते आज जो है तो हमने पाठिंबा दिया है और ये जब तक हम इस जो है तो धरने में मौजूद रहेंगे जब तक वो रामगिरी महाराज पाखंडी जो महाराज है जो भुट्टा है बलात्कारी और इसको जितने गलत अल्फाजों से इस्तेमाल इसका जो तो बोला जाए कम है, तो इसको जब तक अगर गिरफ्तार नहीं किया जाता, जब तक इसको अटैक नहीं किया जाता तो हम यहाँ से हलने वाले नहीं हैं, ये हमारी मांग है और ये हमारे तरफ से जो तो भाई साहब को पाठिंबा है, हम ये मांग करते हैं सरकार से कि इसको जो है तो जल्द से जल्द अटैक करें और अगर नहीं अटैक करेंगे तो हम रोड जो है तो रोड पर धरना देंगे और आने वाले वक्त में हम औरंगाबाद जो है तो बंद का ऐलान भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर आप एक युवा है यार, युवा के नज़रिए से आप क्या मालूमात रखते हैं शहर में जो हालात चल रहे हैं अभी और ऐसी हरकतें हो रही है जो हुजूर के शान में गुस्ताखी करें, क्या कहेंगे इस पर? देखिए जो अभी ये इन्होंने जो गुस्ताखी की है महाराज ने, जो हरामखोर ने जो गुस्ताखी की हमारे नबी की शान में, तो उसके दूसरे दिन ही या पहले दिन शायद एकनाथ शिंदे साहब जो वहाँ पर उनके प्रोग्राम में वो भी मौजूद था तो उन्होंने उसको भी जो है तो समर्थन किया और इसको ये भी ऐलान किया कि इनको कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, तो हम सरकार को भी जो है तो ये बात कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ी सरकार हमारी जो है वो है हमारे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे लिए सबसे बड़ी मायने रखते हैं, तो इन्होंने जो उनको पाठिंबा दिया है या जो भी उनके साथ जो है तो उनको अटैक नहीं करी, कहीं ना कहीं सरकार की इसके अंदर जो है तो बहुत बड़ी साजिश है और सियासी जो काम है जो भी आने वाले इलेक्शन है तो उसी को जो तो मद्देनजर रखते हुए ये काम हुआ है, अमल में आया है।
सर आपको नाम बोल दीजिए। आपको मेरा नाम अशफाक जमील खान, एनसीपी यूथ वाइस प्रेसिडेंट शरद पवार का। रामगिरी महाराज मुर्दाबाद, रामगिरी महाराज मुर्दाबाद, रामगिरी महाराज मुर्दाबाद, रामगिरी महाराज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।